अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हर साल की तरह 18 अगस्त को इस बार भी इंडिया डे परेड ऑर्गेनाइज किया गया, लेकिन इस बार इंडिया डे परेड को लेकर विवाद हो गया, वो भी राम मंदिर को लेकर। राम मंदिर का विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है, चाहे देश हो या विदेश, राम मंदिर बन तो गया है लेकिन उसके लिए जितना संघर्ष किया गया उसकी आग अभी तक बुझी नहीं है। शायद इसलिए ही न्यूयॉर्क के इंडिया डे परेड में शामिल होने वाली राम मंदिर की झांकी निकाली गई और इस झांकी का कई संगठनों ने विरोध किया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई संगठनों ने इसे मुस्लिम विरोधी बताया और कहा कि इस कार्यक्रम से राम मंदिर की झांकी को हटा देना चाहिए। इस झांकी में अयोध्या में बने राम मंदिर को दर्शाया गया है। विरोध करने वाले संगठनों का मानना है कि इस झांकी में जिस मंदिर को दर्शाया गया है वो एक विवादित मस्जिद के ऊपर बनाया गया है, इसलिए इसे मुस्लिम विरोधी बताते हुए आलोचना की है और इसे हटाने की मांग की है। इसको लेकर कुछ अमेरिकी संगठनों ने न्यूयॉर्क शहर में मेयर एरिक एडम्स और न्यूयॉर्क के गवर्नर कैथी होचुल को पत्र लिखकर इस झांकी को मुस्लिम विरोधी बताया है और कहा कि ये मस्जिद को गिराए जाने का महिमंडन करती है। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल और दूसरे रिलीजन के लोगों ने परेड ऑर्गेनाइजर से इस झांकी को हटाने की मांग की। वे कहते हैं कि राम मंदिर उस मंदिर का प्रतीक जो मस्जिद को बर्बाद करने और साउथ एशिया देश में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा को महिमांडित करता है। वहीं परेड के ऑर्गेनाइजर ने झांकी को हटाने की मांग को खारिज कर दिया। उनका कहना है कि ये झांकी करोड़ों हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण पवित्र स्थल को दर्शाती है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन के चेयरमैन अंकुर वैद ने एक बयान में कहा कि हम किसी भी प्रकार के हिंसा और नफरत के आरोपों को खारिज करते हैं। इसे किसी भी धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाकर नहीं बनाया गया। विश्व हिंदू परिषद ऑफ अमेरिका का कहना है कि ये हिंदू पूजा स्थल का प्रतिनिधित्व करती है और इसका उद्देश्य भारतीय और हिंदू पहचान के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में देखे जाने वाले देवता का महिमा मंडन करना है। हिंदू अमेरिकन फेडरेशन ने कहा कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक प्रयास है। एसोसिएशन ने कहा कि ये परेड भारत के कल्चरल डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करती है और इसमें अलग अलग धर्मों की झांकियां शामिल होगी। वहीं मेयर एरिक एडम्स ने इस वीक की शुरुआत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि नफरत के लिए कोई जगह नहीं है। अगर परेड में कोई झांकी या कोई व्यक्ति जो नफरत को बढ़ावा दे रहा है उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। एडम्स के कार्यकाल के बाद एपी को बताया कि अमेरिकी संविधान के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार हर किसी को है। 42 NYC इंडिया डे परेड आज न्यूयॉर्क में निकाली गई। बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा भी इसमें मौजूद थी और पंकज त्रिपाठी और जहीर इकबाल, भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने परेड में भाग लिया था। तो हमारी आज की इस जानकारी में इतना ही। देखते रहिए द न्यूज़ 15। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।